हेलो दोस्तों, नमस्कार। सतिगुरु इंडिया में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक और कुशल होंगे। तो दोस्तों, आज का प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा ताकि आप लोग को इस वीडियो में आज का प्रोफाइल का जानकारी पूरा अच्छा तरह से चल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोफाइल दोस्तों आया है, ये लुधियाना से आया हुआ है दोस्तों, और इनका नाम जो है दोस्तों मधु जी। दोस्तों मधु सियाल जी है, उसका नाम है मधु सियाल जी, और इनका उम्र जो है 26 वर्ष है, और इनका जो हाइट है 5 फीट 2 इंच है, और इन्होंने एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, और इनका जो फादर है दोस्तों वो एस्पायर किया हुआ है, और इनका मम्मी है, और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है। 2 साल पहले इन्होंने एक जॉब जो ज्वाइन किया है, और वो जॉब है डीओ का, जैसे कि डीओ उसको बोलता है दोस्तों, कुछ कंप्यूटर पर जो डाटा है काम करता है, जैसे कि फॉर्म वॉर्म जो भरता है ब्लॉक में, उसको डीओ बोला जाता है। तो वो डीओ पोस्ट पे काम करता है, उनका सैलरी 18,576 रुपया है, और उसी से वो काम घर चलाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, मधु जी का प्रोफाइल ये है, और मधु जी का मैंने इसमें पिक लगा दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और मधु जी का कहना है दोस्तों कि मेरे भाई नहीं है और ना मेरे बहने हैं, ठीक है, और मेरे पापा भी तो नहीं है, तो मेरे साथ मेरे मम्मी रहते हैं और मैं रहता हूँ। उनका जो उम्र मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो दोस्तों इनका कहना है वो मेरे साथ मेरे घर में मेरे मम्मी के साथ रहेंगे और घर जमाई के तौर पे रहेंगे, तो ऐसे लड़का का मुझे रिश्ता चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग में से ऐसा कोई लड़का है जो मधु जी के साथ उनके घर में उनके मम्मी के साथ रह सके, तो दोस्तों इसमें कंडीशन ये है, आप लोग में भी अच्छा होगा कि जो भाई उसे फ्री हो, और साथ में आप लोग को परिवार भी मिल जाएगा, उसके बाद शादी तो आपका होना ही है। और वैसे भी मधु जी बहुत ही काफ़ी सुंदर है, और डीओ वाला काम करता है, आगे चलूँगा सैलरी और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों देख लीजिए, जॉब तो जॉब होता है। तो अगर आप लोग में कोई इंटरेस्टिंग है जो इनसे शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को एक ईमेल के जरिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। दोस्तों ऐसा है कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए कि कॉन्टैक्ट नंबर एक्सप्लेन करने के बाद काफ़ी सारा फोन आने लगता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आप ईमेल कीजिए, ईमेल करने के बाद या कॉमेंट कीजिए अपने मोबाइल नंबर के साथ, आपका जो होगा मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा आपसे, और जल्द से जल्द आपको शादी करवाने में हेल्प करूँगा, और नंबर तो आपको दे ही दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।